अगर 10 करोड़ 20 करोड़ लोग सड़कों में हैं, तो आने वाले दिनों में 50-60 करोड़ लोग होंगे देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, कि राइट टू फ्रीडम, आजादी का हक, स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को है। 130 नागरिक को आजादी का हक है, उसको बोलने की आजादी है, उसको अपनी राय रखने की आजादी है, उसको प्रोटेस्ट करने की आजादी है, मार्च करने की, पीसफुल धरना देने की, ये आजादी छीनी जा रही है आज इसका सरकार के जरिए से। इस संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है सरकार के जरिए से। आज जो बच्चा बच्चा, बूढ़े बूढ़े और देश के जवान, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर जिस आजादी की आवाज लगा रहे हैं, वो संविधान की आजादी है। संविधान 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा कानून पास नहीं कर सकती जो कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये कानून सीधे सीधे बेसिक स्ट्रक्चर पर अटैक है। इसी तरह से ये भी कहा गया है कि संविधान को जो पढ़ा जाएगा वो प्रस्तावना को सामने रखकर पढ़ा जाएगा, प्रीएम्बल को सामने। ये कानून उस प्रीएम्बल के जो स्पिरिट है उसका भी खिलाफ, उसके भी खिलाफ है। और जो तीसरा पार्ट है मौलिक अधिकार, उसमें आर्टिकल 14 उसका भी उल्लंघन करता है, और ब्रॉडली देखें तो 15, 19, 21 का भी उल्लंघन करता है। सिटीजन्स, हर नागरिक के जीने को अधिकार दिया गया है बाइज्जत। इस कानून से करोड़ों लोगों को डाउट की नजर से देखा जा रहा है, इस वजह से यह आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करता है, जिसमें कि राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार दिया गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एनपीआर, एनआरसी, ये दोनों देश के आम जनता के हित के खिलाफ है। सीएए के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नागरिकता देने का कानून है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएए नागरिकता देने के लिए नहीं है, असलन छीनने के लिए। इसमें जो कुछ बोला गया है वो बहुत कम है, जो कुछ नहीं बोला गया है वो बहुत ज़्यादा है। एक मिसाल दूंगा, हमारे देश में हजारों साल से आदिवासी रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनका कोई घर नहीं होता, वो घर बनाते ही नहीं है, घूमते रहते हैं बंजारा और खानाबदोश, कोई कागजात नहीं होते उनके पास। एनपीआर एनआरसी से वो बाहर हो जाएंगे बहुत आसानी से। सीएए से जिनको लगता है कि उनको नागरिकता दी जाएगी, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, जो ये आदिवासी हजारों साल से रहते हैं, वो जब इंडियन नागरिकता प्रूव नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कैसे कहेंगे कि मैं बांग्लादेश या पाकिस्तान से आया था? ये प्रूफ तो कभी कर ही नहीं पाएंगे वो, इसलिए कि वो तो हजारों साल से यहीं रहते हैं, वो आए ही नहीं हैं। आप उनको झूठ बोलने पर मजबूर करेंगे, उनके वो झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। और सीएए में सिर्फ 5-6 रिलीजन को गिनाया गया है, 5-6 धर्मों का नाम लिया गया है। आदिवासियों में से अक्सर लोग किसी धर्म को नहीं मानते, वो जंगलों में रहते हैं, जंगल की जिंदगी गुजारते हैं, वो प्रकृति को पूछते हैं, नेचर की पूछते हैं। इस तरह से 12 करोड़ आदिवासी को प्रताड़ित किया जाएगा इस कानून के जरिए। 12 करोड़ आदिवासियों की सिटीजनशिप छीनी जाएगी, नागरिकता छीनी जाएगी इस कानून के जरिए। ये मोदी सरकार इस चीज़ को छुपा रही है, जिसको बोल नहीं रही है। और मैं और भी कहूँगा कि जो दलित हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो गांव में रहते हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं, जहाँ हर साल बाढ़ आता है, उन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो एनपीआर एनआरसी से बहुत आसानी से बाहर हो जाएंगे। फिर जब वो इंडियन नागरिकता प्रूव नहीं कर पाएंगे तो वो कैसे कहेंगे कि मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से आया हूँ? इसलिए कि आप तो श्रीलंका से आने वाले को तो नहीं दे रहे हैं नागरिकता, तिब्बत से आने वालों को नहीं दे रहे हैं नागरिकता, तो उनको तो प्रूफ करना ही होगा ना कि हम बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आम जनता को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, या जो जंगलों में रहते हैं, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सीएए सिटीजन नागरिकता छीनने का है, देने का नहीं है। मैं बताता हूँ देने वाला कौन सा कानून है। 1955 में जो नागरिकता कानून बना था उसमें 5 तरीके से नागरिकता देने का प्रावधान है। वो कहीं का भी प्रताड़ित हो, वो कोई भी अल्पसंख्यक हो, अगर प्रताड़ित है, परसिक्यूटेड है, तो उसको नागरिकता देने का प्रावधान है। और
70 सालों से उसी कानून के जरिया से दिया जाता रहा है। जब एक कानून ऑलरेडी है जो सब मानते हैं और जिसके बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, तो फिर उसको आप खत्म करके एक नया कानून ला रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, जनता के हित के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, देश को तोड़ने और बांटने की साजिश है। इस वजह से मैं कहूंगा CAA संविधान के खिलाफ है, इसको रिजेक्ट करना होगा। वो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट के दानिशमंदी पे उंगली उठेगी और फिर जन आंदोलन बहुत बड़ा होगा। अभी अगर 10 करोड़ 20 करोड़ लोग सड़कों में हैं, तो आने वाले दिनों में 50-60 करोड़ लोग होंगे देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। सरकार बार बार इल्ज़ाम ये लगा रही कि इनको कौन सी आज़ादी चाहिए, मैं इसको एक्सप्लेन वाजे करना चाहता हूँ। इन अनपढ़ों से पूछना चाहता हूँ, जिस संविधान का आपने शपथ लिया उसका आर्टिकल 19 आपने पढ़ा नहीं है। आर्टिकल 19 में जो कि फंडामेंटल राइट है, संविधान का तीसरे पार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि राइट टू फ्रीडम, आजादी का हक, स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को है। 130 नागरिक को आजादी का हक है, उसको बोलने की आजादी है, उसको अपनी राय रखने की आजादी है, उसको प्रोटेस्ट करने की आजादी है, मार्च करने की, पीसफुल धरना देने की। ये आजादी छीनी जा रही है आज इस सरकार के जरिए से, इस संविधान का धज्जियां उड़ाया जा रहा है इस सरकार के जरिए से। आज जो बच्चा बच्चा, बूढ़े बूढ़े और देश के जवान, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर जिस आजादी की आवाज लगा रहे हैं, वो संविधान की आजादी है। संविधान में जो आजादी दी गई है, उस संविधान, उस आजादी की बात ये कर रहे हैं, उस आजादी का नारा लगा रहे हैं। ये बात पार्लियामेंट में बैठे हुए अनपढ़ों को समझ लेना चाहिए कि संविधान में जो आजादी दी गई है, उसके रक्षा के लिए हर नौजवान आज एक प्लेटफॉर्म पर जमा है। जिस तरह से संविधान के रचना के लिए लाखों लोगों ने जान दी थी, भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने 3 साल खून पसीना बहाया था, उसी तरह से संविधान की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए देश का 130 करोड़ आगे है, एक साथ है। और जिस आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने जानें दी थी, शहीद भगत सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, उस आज़ादी की हिफाजत के लिए आज देश का 130 करोड़ आबादी एक प्लेटफॉर्म पर प्रोटेस्ट करते रहेगी, धरना देते रहेगी, पीसफुल एहतजाज करते रहेगी, जब तक कि CAA, NPR, NARC खारिज नहीं किया जाता है। जी, क्या नाम है आपका? रजी अनवर, PhD स्टूडेंट, जामिया मिल्ला इस्लामिया। रजी अनवर जी, शख्स जो है, जब से ये जामिया में कांड हुआ था, कांड के बाद से 24 घंटा इस जगह पे खड़े रहता है ये। सिर्फ यहाँ सिर्फ ये शख्स 24 घंटा खड़े रहता है, सिर्फ 4 या 5 घंटा सोता है बस, 24 घंटा इसी हाल में खड़े। जब आप ऐसे अन टाइम में भी आइए, ये खड़ा हुआ मिलेगा आपको, 38 दिन से खड़ा हुआ मिलेगा आपको, हमेशा इसी हाल में खड़ा हुआ 4 या 5 घंटा सोता है बाकी। मैं आपको एक पोस्टर और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक पोस्टर और लगा हुआ है, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अंबेडकर, और इसमें दिया हुआ है कि संविधान बचाओ देश बचाओ। जी हाँ, NRC हटाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ।